सर, मेरा पेपर। अरे वाह माना, इतनी जल्दी पेपर लिख के खत्म भी कर लिया? सर, जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो लिखूंगा क्या? इसलिए ये पेपर एकदम खाली है। अरे क्यों? अरे कुछ तो लिखो जो आता है। सॉरी सर, सॉरी। मानव रुक जा, तो अभी क्यों सॉरी कह रहा है? अभी सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉरी तो तू तब महसूस करेगा ना जब तुझे एहसास होगा कि तूने इस टेस्ट को पूरी करने की कोशिश भी नहीं की। सर, मैं पहली बार इतना पढ़ कर आया, इतना लिखने का मन कर रहा है, इतना लिखने का मन कर रहा है, पर ये दोनों की बकवास खत्म नहीं हो रही। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब। कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, अपने आंसर लिखो। मानव, तो शायद भूल रहा है कि बालवीर हमें क्या कहता है। वो हमेशा कहता है ना कि कोशिश करने के बाद मिली हार इतनी भी बड़ी हार नहीं होती जितनी की कोशिश किए बिना ही हार मानने में होती है। हाँ मेहर, तू सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूँ मेहर, जब हमने दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी की है तो। मानव, तू मुझे एक बात बता, जब सर क्लास में पढ़ाते हैं तब तू उन्हें ध्यान से सुनता है या नहीं? सुनता हूँ और अच्छे से समझने की कोशिश भी करता हूँ। तो मानव, तू क्लास में ध्यान से उनकी बात सुनता है तो फिर क्लास खत्म होने के बाद तू सब कुछ भूल जाता है? बिल्कुल नहीं सर, हमें इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि अगर उसे ध्यान से एक बार सुन लूँ और समझ लूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो फिर मानव, परेशानी क्या है? सर ने जो क्लास में पढ़ाया है उसे ध्यान से याद कर और लिख दे सारे आंसर्स। तुझे कुछ नहीं आता, ये सिर्फ तेरे मन का डर है। हाँ मेहर, तू सही कह रही है, ये बस मेरे मन का डर है जो मुझे कमजोर कर रहा है। अब मैं ये आंसर्स याद करके लिखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू मेहर। तो फिर खड़े क्या हो, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखो, 45 में से 10 मिनट पहले ही खत्म हो चुके हैं। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। लिख लो जितना लिखना है, तो मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। आप सबकी सुरक्षा को लेकर मेरी चिंता और बढ़ गई है नटखट परी, क्योंकि छल परी और भयंकर परी समाप्त होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। और जब तक हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे तब तक हम असली भयंकर परी और छल परी को समाप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ बाली, इन्हें नष्ट करने का कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। उपाय नहीं है तो उपाय मिल जाएगा, लेकिन हम इस तरह हार नहीं मान सकते नटखट परी। लेकिन जब तक हमें कोई उपाय मिलता है तब तक उन दोनों की सेना हम तक पहुंच चुकी होंगी। इसलिए भले ही हम इनकी संख्या को नष्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन इन्हें हम तक पहुंचने से रोकने का कोई तो उपाय करना होगा बालवीर। भयंकर परियों, आग के गोलों से आक्रमण करो। परियों, तेजाबी गोले से आक्रमण करो। वो देखो बालवीर, दोनों तरफ से आग और तेजाब के गोले हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर उन्होंने आग और तेजाब का गोला भेजा है तो हम जल का गोला भेजेंगे जो इस आग को बुझा देगा
और तेजाब को ठंडा करके इन दोनों गोलों की शक्ति समाप्त कर देगा। आप सही कह रहे हैं बालवीर। सप्लीमेंट मोंटो, आंसर शीट में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, फिल्म की कहानी नहीं। वही लिख रहा हूँ। क्या फिल्म की कहानी? नहीं सर, आंसर्स। और आधे आंसर्स मैंने लिख भी दिए। अरे आधे आधे क्यों लिख रहे हो, पूरे नहीं आते क्या? सर, क्वेश्चन पेपर के आधे क्वेश्चंस के आंसर लिख के हो गए। अब आप सप्लीमेंट दे रहे हो या पापा को फोन लगाओ? मजाक कर रहा था बेटे, पहली बार है ना। थैंक यू सर। सर नहीं, चलते एग्जाम में कोई टॉयलेट नहीं जाएगा। सर सप्लीमेंट। सर हो गया पेपर? नहीं, सप्लीमेंट। पहली बार बालवीर और सारी परियों को इतना समय लग रहा है भयंकर परी और छल परी को हराने में। बालवीर और सारी परियां ये लड़ाई करते करते थक जाएंगे, लेकिन भयंकर परी की सेना खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक ही तरीका है इस लड़ाई को जीतने का, और वो है सबसे पहले जाकर गूंज लोगों को खत्म कर देना। पर ये संदेशा मैं बालवीर तक कैसे पहुंचाऊं? कैसे? हाँ, है एक तरीका।
ओके बच्चों, टाइम ओवर, लिखना बंद। दो, तीन, चार, पांच, छह। सर सर एक मिनट, टाइम ओवर हो गया। सर 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 एक मिनट, अरे टाइम ओवर हो गया। हाँ सर। अरे कुछ क्यों हो गया? बैठो केवल। ला मंटो। आज पहली बार मोंटू लखानी की आंसर शीट की तरह मोटी है। नहीं तुम बेकार है। नहीं भरी हुई है। वो क्या है ना सर, मैंने एकदम जी जान लगाकर पढ़ाई की, इसलिए जी जान लगाकर पेपर भी लिखा। लेकिन बॉस अपने जी जान लगाकर कहा, आपने तो चश्मा लगाकर पेपर दिया है। देखो सर देखो, मेरे आंखों में जैसे फैलने वाला इन्फेक्शन हुआ ना, वैसे इसके मुंह में भी हुआ है। देखो कैसे फैलते जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, कीप इट अप, यहां बस। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, एक घंटे में आप सबको रिजल्ट पता लग जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। थैंक यू सर। मानो एक घंटे में तो पूरे स्कूल के सामने गंजा होकर घूमेगा। गंजा मानव टगली। गंजा कौन होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। गंजा मानव डगली या गंजा मोंटू लखानी। मैं रिजल्ट मुझे पता है और मैं ही फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि इस चश्मे की मदद से मैंने हर आंसर पूरा का पूरा कॉपी किया। इस बार फुल मार्क्स मुझे ही मिलेंगे। पालवी, ये हमारे लिए सिर्फ कुछ पलों की जीत है, क्योंकि भयंकर परी हम तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगी। काश बाल परी आज हमारे साथ होती, क्योंकि रानी परी के अलावा सिर्फ बाल परी के पास इन रहस्यमय शक्तियों का तोड़ है। लगता है आपकी इच्छा पूरी हो गई नटखट परी। वो देखिए बाल परी की चोटी। गुंज लोक नष्ट करो। ये बाल परी बहुत चालाक है, उसने अपनी चोटी से संदेश भेज दिया। अब क्या होगा भयंकर परी, बालवीर को हमारी सेना को समाप्त करने का उपाय पता चल गया है। चलने दो, इससे पहले कि वो हमारी सेना को खत्म करे, मैं बालवीर को खत्म कर दूंगी। गूंज लोक नष्ट कर दो, ये क्या है नटखट परी? गूंज लोक में एक ऐसी मायावी गुफा है जिसमें किसी भी इंसान या वस्तु का नाम पुकारा जाए तो वो गूंज कर उसी रूप में दुगनी मात्रा में लौटती है। हाँ बालवीर, और गूंज लोक के भयंकर परी और छल परी की कभी ना खत्म होने वाली सेना का राज। हाँ, इसीलिए बाल परी चाहती है कि सेना को समाप्त करने के लिए पहले हम गूंज लोक को नष्ट करें। तो ठीक है परियो, मैं गूंज लोक जाऊंगा और वहां जाकर गूंज लोक को नष्ट कर दूंगा, और आप सब बाल परी के बालों की सहायता से बाल परी तक पहुंचकर उन्हें बचाने का प्रयास कीजिए। नटखट परी, आप मुझे बताइए कि गूंज लोक कहाँ है। ठीक है बालवीर। ये लो बालवीर, ये दिशा दिखाओ यंत्र है, ये तुम्हें गूंज लोक तक ले जाएगा। जैसे ही इसमें से तेज रोशनी निकले तुम समझ जाना कि तुम गूंज लोक पहुंच गए। शुक्रिया नटखट परी, आप अपना और माँ का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर, तुम भी अपना ख्याल रखना।
छलपरी, मैं बालवीर को गूंज लोक तक जाने से रोकती हूँ, तुम इन परियों को बाल परी तक पहुंचने से रोको। रोहित, गंजा होने के बाद कैसे लगेगा ना? कौन, आप? मैं नहीं, मानव। वो तो पूरा बंदर लगेगा। By the way, हम उसे गंजा होने के बाद क्या बुलाएंगे? मानव। क्या बॉस, गंजा होने के बाद शक्ल चेंज होती है, नाम नहीं। रोहित, केवल हम उसे गंजा होने के बाद क्या चिढ़ा कर बुलाएंगे? क्या? रोहित, समझा? मार मत। ओके। केवल बॉस के कहने का मतलब है, जैसे हम बॉस को गैस का गुब्बारा, रोड रोलर, हाथी कहकर बुलाते, वैसे ही हम मानव को क्या बुलाएंगे? गधे। अरे नहीं, गधे नहीं बॉस, गधे तुम आपको कहते और आपका सूट भी करता है। रोहित, बस जो सच है वो सच है, अब मैं इसमें उसको क्या समझाऊं? समझा मत, मार। ओके बस। बस पर आज ये पापा मुझसे क्यों करवा रहे हो? अरे वो क्या है ना, इतना बड़ा पेपर लिखा इसलिए हाथ दर्द कर रहे। ओके बस। तो केवल मुझे क्या चिढ़ाना है ये मत सोचो, मानव को क्या चिढ़ाना है ना ये सोचो, समझे? समझे? समझ गए बॉस। चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, आप लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सबने टेस्ट बहुत अच्छे लिखे हैं। अब मैं जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके नाम लूंगा। जो बच्चा थर्ड आया है उसका नाम है उसका नाम है मेहर। बस मोंटो। और जो बच्चा सेकंड आया है उसका नाम है मानव। और जो बच्चा इस बार फर्स्ट आया है, जिसने पूरी क्लास में टॉप किया है, उसका नाम है मोंटू लखानी। क्या हुआ? टॉप गए ना, अब देख क्या रहे हो, ठोको ताली। शाबाश, कीप इट अप मोंटो, कीप इट अप। आशीर्वाद सर। अरे तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है, तुम भी तो बिना पढ़े लड़ आए हो। वो दुखी इसलिए सर क्योंकि मानो बाल बाल बच गया ना फर्स्ट आने से। लेकिन इस वजह से तुम्हारे बाल नहीं बचेंगे।